एक तरफ जहां देश भर में अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि एक तरफ 2 साल से सेना में भर्तियां बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ केवल 4 साल के लिए भर्तियां कर रहे हैं। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि जवान 4 साल हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेकर आएंगे और अगर उन्हें नौकरी नहीं मिली तो वह किस दिशा में जा सकते हैं, कहीं वह इकट्ठे होकर अपने गांव, शहर, प्रदेश को नुकसान न पहुंचाएं। रोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है, और भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे चाहे नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो और दूसरे क्षेत्रों में, आखिर किन लोगों ने ट्रेनिंग दी?